कि एक आर्थिक प्रलय आने वाला है, मगर अकॉर्डिंग टू मोदी सरकार ऑल इज वेल। जब हम अर्थव्यवस्था को खोलेंगे तो ये एक ऐसी स्थिति होगी जैसे एक बीमार आदमी अपने बिस्तर से उठकर खड़ा होने के लिए चलना शुरू करता। जबकि एक एक रूम में 50-50, 60-60 बंदे हम लोग यहाँ है, भूख से है, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और यहाँ का मकान मालिक ऊपर से और धमका रहा है। एक मजदूर का किराया उतनी दूर का 3-4 हजार रुपए का लगा है। अब राजनीति आड़े आ गई, अब बिहार के चुनाव नजर आने लगे। पहले मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी, अब बिहार में चुनाव जीतने हैं क्या? भारत में लॉकडाउन के साथ साथ आर्थिक संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। आर्थिक संकट आने से आम आदमी पर और बोझ पड़ेगा। हमारे मीडिया न्यूज चैनल अक्सर धार्मिक मुद्दों पर डिबेट करते हैं, वह आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस की बात नहीं करते। इसी आर्थिक संकट को देखते हुए राहुल गांधी ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन से बात की, जिसकी अधिक जानकारी विनोद दुआ ने अपने शो में दी है। उसमें राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा था कि हमारी अर्थव्यवस्था के ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जिनको खोला जाना चाहिए, हैं, और सीक्वेंसिंग क्या होगी। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि इस वक्त जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई चल रही है वो, और उसके बाद के जो परिणाम होंगे, कोरोना के बाद के परिणाम जो होंगे 3-4 महीने बाद के, दोनों में कैसे बैलेंस किया जाएगा, वो किस तरह के होंगे। तो रघुराम राजन ने कहा था कि हमें एक तो फैसला लेने की ज़रूरत है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को इकट्ठा कैसे रखें। इस वक्त छितर रही है अर्थव्यवस्था, बिखर रही है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को इकट्ठा कैसे रखें। जब हम अर्थव्यवस्था को खोलेंगे तो ये एक ऐसी स्थिति होगी जैसे एक बीमार आदमी अपने बिस्तर से उठकर खड़ा होने के लिए चलना शुरू करता है। ऐसा ना हो कि हम इस अवस्था में ही ना हों, इस हालत में ही ना हों, हम जब उठें तो ऐसी हालत में हो ही ना कि हम चल भी ना पाएं और मर जाएं। अभिसार शर्मा ने भी अपने शो में पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम के उस बयान के बारे में बताया जिसमें उन्होंने देश में आने वाले आर्थिक प्रलय की बात कही थी। आपके स्क्रीन पर ये शख्स हैं अरविंद सुब्रमण्यम, मोदी सरकार के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आर्थिक प्रलय आने वाला है, ये हिंदू धर्म के प्रलय जैसा होगा। अब हमें नकारात्मक विकास दर की तैयारी करनी होगी, नेगेटिव ग्रोथ। भारत जैसे विकासशील देश और अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों के मायने अलग हैं। RBI ने बेशक दर कम करके लिक्विडिटी, पैसा मुहैया करा दिया हो, मगर अब यह चुनौती है कि छोटे और मझोले उद्योगों तक पैसा कैसे पहुंचे। ये बात कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि एक आर्थिक प्रलय आने वाला है, मगर अकॉर्डिंग टू मोदी सरकार ऑल इज वेल और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। रघुराम राजन से बातचीत में राहुल गांधी ने मजदूरों की समस्याओं पर भी बात की और उन्हें इस संकट से निकलने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए इस पर सुझाव भी मांगा। डॉक्टर राजन, कितना पैसा लगेगा गरीबों की मदद करने के लिए? तकरीबन 65,000 करोड़। और 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है, हमारा GDP 200 लाख करोड़ है और उसमें 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है, तो कर सकते हैं। और अगर ये गरीबों के लिए है और अगर उनका जिंदगी बचाने के लिए है तो करना चाहिए। देश में लॉकडाउन के चलते मजदूरों की रोजी रोटी पर काफी असर पड़ा है। भारत बंद के चलते कहीं भी काम नहीं मिल रहा और ये लोग अपने दिन भूखे रहकर गुजार रहे हैं। लॉकडाउन होते ही मजदूर पैदल सड़कों पर उतर कर अपने घर की ओर चल दिए थे। हाल ही में गुजरात के सूरत में मजदूर सड़कों पर उतर आए और सरकार से घर भेजने की मांग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी अभी बोल के रहे, उनको ये पता नहीं है जो पब्लिक जो है लाखों के संख्या में मर रहा है, कह रहा कोरोना वायरस को हराना है, कैसे हरे जबकि एक एक रूम में 50-50, 60-60 बंदे हम लोग यहाँ है, भूख से है, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और यहाँ का मकान मालिक ऊपर से और धमका रहा है जो तुम लोग को किराए सही टाइम पे देना है। आज एक महीना तक हमारा मालिक खुद परमिट नहीं किया है, जो ठेकेदार के पास काम करते हैं वो भी हमारी खैरियत नहीं पूछ रहा है, जो तुम खाए हो या पियो नहीं पियो, बहुत हम लोग आस लगाए बैठे थे जो 14 तारीख 15 तारीख से गाड़ी खुलेगी या सरकार ट्रेन चलने की आदेश देगी,
या फिर जो है बस, मगर इनमें से एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। हम तो सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ क्या खाएगा आदमी, क्या पिएगा, तुमको तो ये कहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो हमारे बिहार के पब्लिक जहाँ भी फंसे हैं, उनको संयम आप जो है गाड़ी चला के उनको बिहार तक भेजने का कष्ट कीजिए। देश में केंद्र सरकार 20,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खर्च कर रही है, जिसका लाभ हमारे मंत्रियों को ही मिलेगा, और देश में उन लोगों का क्या जो भूख से मर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में लॉकडाउन की वजह से हो रही परेशानियों के बारे में बात की। ये 27 अप्रैल का वीडियो है और उड़ीसा के कुछ मजदूरों ने गंजाम जाने के लिए बसें किराए पर ली। एक मजदूर का किराया उतनी दूर का 3,000 से 4,000 रुपए का लगा है। अगर परिवार लेकर गया है तो 15,000 से 20,000 रुपए किराए में ही। इस आर्थिक संकट में जब उसके पास अनाज नहीं, कमाई नहीं, तो ये उससे एक दोहरी आर्थिक मार पड़ी है। एक और बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए कि इन बसों का किराया दिया मजदूरों ने अपनी जेब से, लेकिन बीजेपी की सांसद पार्टी का झंडा दिखाकर इन बसों को रवाना कर रहे हैं। अगर रेलगाड़ी चलाने का फैसला बहुत पहले ले लिया गया होता तो तबराक अंसारी की मौत ना हुई होती। तबराक अंसारी मुंबई के पास के भिवंडी से साइकिल लेकर निकले थे यूपी के महाराजगंज के लिए। 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर मध्य प्रदेश के बड़वानी सीमा तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने दम तोड़ दी। वैसे तो सत्ता से इन मुद्दों पर कोई सवाल नहीं करता, पर जब कोई हिम्मत करके इन मुद्दों पर बीजेपी नेता से सवाल करता है तो बीजेपी नेता सवालों से तंग आकर एंकर से बोल देते हैं कि हमसे मजदूरों के बारे में सवाल मत कीजिए। न्यूज 24 पर मजदूरों के मुद्दे पर डिबेट में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से जब सवाल पूछे गए तो वह तंग आ गए। शहनवाज हुसैन, हमारी प्राथमिकता ही गलत है क्या? नहीं, और अभी भी बसों में भेजा जाएगा, बिल्कुल ठीक कर रही है सुप्रिया, कितनी बसें लगेंगी, ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं चलाई जाती? संदीप जी, ये सारे निर्णय आज कोरोना वायरस का जो खतरा है उसको देखते हुए बहुत से निर्णय सरकार ने। अरे तो खतरा थोड़ा मिटा है अभी। आपको मैं बता दूं ना, आप आपके जो सुझाव हैं वो आप मेल कीजिए ना कांग्रेस पार्टी। अभी तो आपने राजस्थान के मजदूर दिखा दिए, जान रहा हूँ बड़ी तादाद में लोग हैं। सरकार लॉकडाउन का फैसला 4 घंटे के लिए तुरंत निर्णय लिया गया था, और उसको अगर लॉकडाउन नहीं किया होता तो आप ये प्रोग्राम नहीं कर रहे होते। अमेरिका और यूरोप की तरह वो दिक्कतों में हम भी शामिल होते जो दिक्कत हो रही है। कोरोना का संक्रमण क्या मिट गया है? अगर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता, फिर तो आप बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन रखिए। अब राजनीति आड़े आ गई, अब बिहार के चुनाव नजर आने लगे, लॉकडाउन होता है 24 तारीख को, 23 तारीख को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण होता है। पहले मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी, अब बिहार में चुनाव जीतने हैं क्या? आप बार बार ये मध्य प्रदेश, नहीं नहीं मैं क्यों नहीं बताऊंगा, अगर गलत बता रहा हूं तो बोलिए। बार बार मध्य प्रदेश ले आते हैं, आप ये नहीं कहते कि भारत गलत बात हो तो बताइए। पूरे दुनिया में लोग किस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करते आप? ना, ना, आप ना, ना, ये करते हैं, यहाँ वो परेशान है, वहाँ वो परेशान है, आपको क्या पता? मुझे अपने देश के, अपने मजदूरों, अपने गरीबों की चिंता है, मैं उनके लिए आवाज उठाता रहूंगा, आपको बुरा लगे तो लगता रहे। हाल ही में बीजेपी नेता बृजभूषण राजपूत एक फल बेचने वाले आदमी पर भड़क उठे क्योंकि वह मुस्लिम था। आप देखिए ये वीडियो। भाग का है वे? भाग का है रहे? आप क्यों रहा है? नमदा? सही सही अपना नाम बताओ, क्या नाम? नाम बताओ बेटा। नाम क्या बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। हैं? झूठ बोल रहा था मुसलमान? झूठ क्या बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार से बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? चलो झूठ क्यों बोलता तू? हम बात नहीं करेंगे। बस्ती में देखने जाना है यहाँ पे तुम लोग, आज के बाद देखने जाना तुम लोग, नहीं तो मार वाले ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते राजकुमार नाम है तुम्हारा? मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो? देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। एक और बीजेपी नेता सुरेश तिवारी सरकारी मुलाजमों के साथ खड़े होकर उन्हें ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मुसलमान से सब्जी नहीं खरीदेगा। और एक चीज
ध्यान में रखिएगा, परंतु मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मिया के यहाँ पे सब्जी नहीं लेना। आखिर क्यों बीजेपी नेता इस लॉकडाउन में भी नफरत फैला रहे हैं? क्यों ये देश में एकता को भंग कर रहे हैं? मेनस्ट्रीम मीडिया भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर ही नजर रखता है। जैसे ही इनकी कोई वीडियो वायरल होती है, मीडिया इन पर डिबेट करना शुरू कर देता है। आखिर जो आर्थिक संकट आने वाला है वह तो हर भारतवासी पर आएगा ना। ये संकट ना तो जाति देखेगा ना मजहब, तो मीडिया इस पर डिबेट कर सरकार से सवाल क्यों नहीं करता? आज का मुद्दा है, देश में खाने को धर्म के चश्मे से कौन देखता है। पिछले 40 घंटे से देश में कुछ तस्वीरों को लेकर बहस छिड़ गई है। तस्वीरें जिसमें कुछ फल वालों की दुकान के आगे लिखा था हिंदू फल की दुकान, पुलिस ने तुरंत इसे धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश मानकर कार्रवाई की। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना संकट काल के वक्त जब कई तरह की अफवाहें फैली हों, तब फल की दुकान पर हिंदू नाम जोड़ना गलत है, तो मुस्लिमों के लिए इस्लाम मुताबिक हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचना क्या सही है? सर, जिस तरीके से अभी डॉक्टर पात्रा भी बता रहे थे कि भाई यहाँ तो अग्रवाल की दुकान, बीकानेर की दुकान, जैन की दुकान, अरमान की दुकान, मुस्लिम ढाबा, वैष्णव ढाबे, सारे तो ढाबे चलते हैं, फिर अगर हिंदू फल की दुकान हो गई तो सिर्फ VHP लिखा होने की वजह से, क्योंकि VHP ने अनुमोदित किया, आपको उसमें क्या ऐसा आपत्तिजनक लगा कि कार्रवाई की गई? साधु संतों की हत्या पर डिबेट तो मीडिया कर रहा है, पर जो मजदूर लॉकडाउन के चलते भूख से मरे उन पर कोई डिबेट क्यों नहीं कर रहा? हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया इन मुद्दों पर डिबेट कर सरकार से सवाल करे, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इन इकोनॉमिस्ट की बात पर अमल करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।